गुण को प्रकट करना लक्ष्य सरल है, मगर लक्ष्य तक पहुंचना बहुत टफ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, तुमने कहीं मोती की बात सुनी होगी, कहाँ होता है सागर के गहराई में। तीन गोल बताऊं, एक गोल होता है, लड़के लोग जाते ना दरिया पर, वो क्या लेके आते, छिपकले, छिप, वो बिल्कुल आसान मिलता है। सागर के पास जाने वाले तीन, एक बेटा, एक माछीमार, एक मरजीवा, वही सागर। एक लड़का जाता है सिर्फ छिप लेकर के वापस आ जाता है, वो मम्मी को बोलता है, मम्मी बहुत मजा आ गई, इतना मिलता था, इतना मिलता था, सब जेब भर के आ गया। ओके, एक माछीमार जाता है दरिया के मध्य के भाग में, जाकर के आता है, जाल डालता है और मछली लेके निकल आता है। एक को छिप चाहिए, नंबर दो मछली चाहिए, और तीसरा नंबर जो मरजीवा होता है, वो न छिप चाहिए न मछली चाहिए, और जान का खतरा लेकर के अंदर जाता है, मगर एक भी मोती लेके आया, जीवन उनका सद्धर हो जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, संसार वो सागर है, वहाँ तीनों चीज़ मिलती है, एक पदार्थ मिलता है, एक पुण्य मिलता है, और एक परमात्मा मिलता है। छिप वो पदार्थ है, मछली वो पुण्य है, और मोती वो परमात्मा है। सच बोलो, आप क्या चाहते हो, पदार्थ का छिप, पुण्य की मछली, या परमात्मा का मोती? प्रवीण झूठ बोलते नहीं कहना, मगर ये समझ लेना, मरजीवा बनने के लिए, मोती पाने के लिए खतरा मोल लेना पड़ेगा ना। वहाँ तो तुम सब जगह छिप में, स्टीमर में जा सकते हो, स्टीमर में बैठे बैठे जाल डाल सकते हो और मछली लेके वापिस आ सकते हो, कोई टेंशन कोई जोखिम नहीं है। मगर ये अंदर जाना, वो तो जान को हाथ में रख करके, तो आप बताओ, पदार्थ चाहिए, पुण्य चाहिए कि परमात्मा चाहिए? एक लड़का क्या हुआ, पुण्य से परमात्मा मिलता नहीं है, पुण्य से परमात्मा तक जाने का रास्ता खुलता है। आपको मानी सर बोले, ये बाहर रास्ता है ना, आपको पूछे रास्ते में चौराहे पे खड़े रखे, पूछे शेखर जी रास्ता कहाँ जाता है, आप क्या बोलेंगे, रास्ता हर जगह जाता है, तुम्हें कहाँ जाना है? रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ता यहाँ ही है, आपको कहाँ जाना है, वाली जाता है। तो पुण्य परमात्मा बनाता नहीं है, पुण्य परमात्मा में ले जा सकता है, इफ़ यू लाइक टू गो। एक आदमी घर से थक गया, और थकने के पत्नी से बवाल हो गई, तो उन्हें आवेश में बोल दिया, मैं तो जाता हूँ सुसाइड करने के लिए। अभी ऐसी बात सुन के तो पत्नी भी तो हैरान हो जाए ना, पत्नी मजे से रोटी बनाती, सुना तूने मैं जाता हूँ सुसाइड करने के लिए, सुन लिया। 10 मिनट के बाद उसने पत्नी को कहा, एक काम कर, डिब्बे में रोटी डाल देना। पत्नी ने कहा, सुसाइड करने की जरूरत, डिब्बे में रोटी का क्या काम है, ट्रेन लेट आ जाए तो खा के मरूंगा, ये सुसाइड करेगा क्या? मरने के पहले रोटी की व्यवस्था करने वाला सुसाइड करेगा? सुरक्षा और सुविधा चाहता है वो कभी परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता। रिपीट, जिसके मन में दो आकर्षण है, सुविधा और सुरक्षा का, वो कभी प्रभु तक पहुंच नहीं पाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।